सहायता केंद्र बेदगांव में माननीय पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पुलिस अधीक्षक सौम्य मुंडे, अपर पुलिस अधीक्षक समीर शेख और की अवधारणा से अनुमंडल पुलिस अधिकारी सहित जरकर जी के मार्गदर्शन में पुलिस ददलोरा विंडो के तहत जीवन अनिवार्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिससे बेसहारा बुजुर्ग नागरिकों को काफी परेशानी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है। तदनुसार हमने पोमके के लोगों, अधिकारियों और SRPF ग्रुप नंबर 5 के अधिकारियों बेदगांव, झनकार, गोंडी, गदेली, राजटोला, चिलमटोला, टेमली, सतपुती, आशा गांवों के कर्मचारियों को पोमके में बुलाया और 10 किलो चावल, 1 किलो अनाज वितरित किया। 27 परिवारों में से प्रत्येक को हल्दी, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती, 1 किलो तेल, 1/2 किलो बेसन, 1 किलो सोयाबीन की रोटी, 3 किलो गेहूं, 1 किलो नमक मसाला पैकेट, बूंद आशा, कुल 15 तरह के किट बांटे गए। साथ ही प्रभारी अधिकारी अनिल नानेकर ने आश्वासन दिया कि जरूरतमंद लोग पोमके से संपर्क करें और यथा संभव मदद करें। उपस्थित सभी नागरिकों ने गढ़चिरौली पुलिस बल के प्रति आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम में 30 से 35 नागरिक मौजूद थे। पोपानी जोंधले साहब, SRPF पोपानी मंडल साहिब और पोमके क्षेत्र के पुलिस पाटिल मौजूद थे। अहेरी से BCN न्यूज के लिए आसिफ पठान की रिपोर्ट।